हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे अप्लाइंग फॉर रेसिडेंस इन पोर्चुगल, वर्किंग इन पोर्चुगल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये साइट आप देख लीजिए, immigrante.acf.pt। SCF आपने बहुत सुना होगा, SCF पोर्टुगल। ये देखिए उनकी ऑफिशियल साइट है immigrante.acf.pt। पोर्चुगल अगर आपको काम करने जाना है, यहाँ की नागरिकता लेनी है, सिटीजनशिप लेनी है, ये साइट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी साइट पे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है। रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर्स विद अ रेजिडेंस वीज़ा, मतलब जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर्स विदाउट अ रेजिडेंस वीज़ा। रेजिडेंस परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। रेजिडेंस परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स विद अ रेजिडेंस विदाउट रेजिडेंस वीज़ा। ठीक है, टीचिंग एक्टिविटी, हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटी, फॉर कल्चरल एक्टिविटी, फॉर हाईली क्वालिफाइड इन टेक वीज़ा, आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें कितनी कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली ये साइट ये बताती है आपको कि अगर आप पोर्चुगल में आके काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या रूल है। ठीक है, और अगर आपको नागरिकता लेनी है तो कैसे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साइट पर पक्का ही है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे। समझ लीजिए, आपको रेजिडेंस परमिट अगर लेना है वहाँ पर फॉर एम्प्लॉयड वर्कर्स। अब एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन है वहाँ पर, समझ लीजिए वहाँ का है, पोर्चुगल का एक एम्प्लॉयर आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भेजता है, कन्फर्मेशन भेजता है और बोलता है कि आप मेरी कंपनी में काम कर सकते हैं इस डेट से। ठीक है, तो उसके बाद आप पोर्चुगल का वर्क वीज़ा लगाते हैं। ठीक है, आप पोर्चुगल पहुँच जाते हैं तो आप एक एम्प्लॉयड वर्कर हो गए, एम्प्लॉयड वर्कर हो गए आप उस एम्प्लॉयर के। ठीक है, तो अगर क्योंकि आप एम्प्लॉयड वर्कर हैं और आपके पास रेजिडेंस वीज़ा नहीं है तो आप विदाउट हो गए। तो हम ये वाला आर्टिकल पढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये देखिए, अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस इन पोर्चुगल वर्किंग, ये देखिए आर्टिकल 88 पैराग्राफ 2, रेजिडेंस परमिट फॉर एम्प्लॉयड वर्कर्स विदाउट अ रेजिडेंस वीज़ा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है यहाँ पे देखिए आप, पासपोर्ट आपका, एविडेंस ऑफ रेगुलर एंट्री इन पोर्चुगीज टेरिटरी। ठीक है, वैलिड वीज़ा आपका जो वर्क परमिट लेके आप आए हैं उसकी कॉपी, सफिशेंट फंड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका, PCC काम कर लेगा वहाँ पे। देखिए PCC में भी फ्रेंड्स एक कैच ये है, समझ लीजिए आप इंडिया का PCC लेके वहाँ पहुँचते हैं और आपने जब नागरिकता के लिए वहाँ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है और आपको काम करते करते पोर्चुगल में अगर 6 महीने हो गए हैं तो आपको पोर्चुगल की पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जब आप रेजिडेंस वीज़ा टेम्प्रेरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय ऑटोमेटिकली जो इमिग्रेशन में जब आप जाएंगे तो आपसे पोर्चुगल की पुलिस का क्लियरेंस मांगा जाएगा। क्योंकि समझ लीजिए 6 महीने आपने, वो एक्चुअली ये चेक करते हैं कि 6 महीने में आपने कोई कानून तो नहीं तोड़ा, कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं है। ठीक है, वो सब चेक किया जाता है, बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, आराम से मिल जाती है, 2 दिन में मिल जाता है वो। ठीक है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड परमिशन SCF टू चेक पोर्चुगीज क्रिमिनल रिकॉर्ड, देखिए मैंने बताया ना आपको, ये देखिए परमिशन फॉर SCF टू चेक पोर्चुगीज क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब वही कि आपके कोई बैकग्राउंड आपका क्लियर है कि नहीं पोर्चुगल में जब से आप रह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपकी जो कॉपी है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर ये सब है आपके पास तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे बड़ा कैच होता है आपका एम्प्लॉयर। अगर आपका एम्प्लॉयर स्ट्रॉन्ग है, समझ लीजिए आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहे हैं जो काफ़ी पुराना है, काफ़ी जमा हुआ है, काफ़ी मतलब उसकी काफ़ी पकड़ है, तो मतलब आपका काम बहुत आसानी से आता है। ठीक है, और सेम आपका एप्लीकेबल होता है आपका पोर्चुगल वर्क परमिट वीज़ा। जब आप इंडिया में रहते हैं, आपको एम्प्लॉयर ने वहाँ से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया, बहुत जल्दी वर्क परमिट लगने का चांस हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइट देख लीजिए फ्रेंड्स, immigrante.acf.pt, ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइए, सारे सवालों के जवाब यहाँ पे हैं। ठीक है, कोई डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस।